लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है रोशन शर्मा एंड पीएमआई के अभी तक जितने इंटरव्यूज, जितनी बातें शातें हम सबने करी हैं, उसके अंदर एक टीम ऐसी है जिसके बारे में कि हम जानना चाहते थे। हर कोई जानना चाहता है, हर किसी को जानना था कि ये टीम अपनी क्या मेंटेलिटी रख रही है, बिकॉज दे आर लाइक द किंग्स, जिनका क्राउन वो एक तरीके से वापस से लेने आया। हम बात करें एक ऐसी टीम की जिसने पीएमआई में परचम लहराया, एक ऐसी टीम की जिसने पहले वाले टूर्नामेंट्स में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किया है, बट अब पीएमआई में वापस आए उसी डोमिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए। रिवेंज के लड़के होंगे मेरे पास एंड रिवेंज के प्लेयर्स से हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या मेंटेलिटी, क्या माइंडसेट रहने वाला है। सो UME Revenge, ये एक नया नाम निकल कर आया। सो इसी के साथ साथ, why don't you guys just introduce yourself one by one? Hello guys, my name is Arkam Rashid, my in-game name is Revenge Sonic Fox. Hello guys, my name is Jyotirmay Devnath and my in-game name is UME Final Boss. And first of all, congratulations on the UME name. तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, अब जैसे UME हो चुका है, but इससे पहले Revenge था। तो रिवेंज की जर्नी से लेकर के UME की जर्नी तक कैसे सबसे पहले टीम बनी, वहाँ से आगे क्या-क्या आपकी मतलब जर्नी में रहा? Coming up with like sponsorship, like organization basis sponsorship में हम लोग पहले नहीं थे। रिवेंज जस्ट फॉर्म अप हुई थी, चार बंदे वो लेकर जो कि डेडिकेटेड बंदे थे, जो साथ में प्रैक्टिस करने के लिए रेडी थे। तो हम लोगों ने, चार लोगों ने फॉर्म अप किया विद एन एम कि हम लोग कुछ अचीव कर सके फ्यूचर में। तो हमने साथ में प्रैक्टिस किया, डेडिकेशन किया, एट द एंड जाके फिर बाद में कुछ लोग अपना अपना मतलब पाथ पे चले गए, कुछ हम लोग मैं और अक्षय सब साथ में रह गए। फिर हमने फिर से नई टीम फॉर्म की रिवेंज की, मैं फाइनल बॉस, अक्षत और अक्षय मिल गए। सो कि वो एक ऊपर नीचे जर्नी हमेशा होती रही, कभी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर गया, कभी नीचे गया, लेकिन पता था कि हार्डवर्क जैसे करेंगे, जितना हार्डवर्क करते चले जाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा अल्टीमेटली। तो फिर वैसा कर देखते देखते जब UME को दिखा हमारा हार्डवर्क और डेडिकेशन, तो उन लोगों ने हम लोग को अप्रोच किया। तो उसके बाद से हम लोग अभी UME का जर्नी स्टार्ट हो रहा है। जिसने फाइनल बॉस, मेरा आपसे सवाल रहेगा अभी के लिए कि जो अभी कंपटीशन हम देख रहे हैं, जिस तरीके का PMIS के अंदर आ रहा है, नई नई टीम्स आ रही हैं, नोन टीम्स भी हैं वहां पर, तो उन सब के बीच में आप अपना कंपटीशन नई टीम्स के अकॉर्डिंग कैसा देखते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है स्पेशली PMIS में, क्योंकि मतलब अप्रोक्स वन ईयर का गैप हो गया, अंडरडॉग्स के साथ नहीं खेल रहे ना हम लोग, PMCO खेल रहे, PMPL खेल रहे, तो ऐसे चले आ रहे हैं। तो प्रो टीम्स के साथ खेलने में हम सबको मालूम होता है कि टीम्स में कितने प्लेयर्स है, कैसे प्लेयर्स है, और पर्सनली सबको जानते भी है। पर इन नए प्लेयर्स के साथ खेलने में ये प्रॉब्लम होती है, एक तो मतलब अच्छा खेलते हैं नए प्लेयर्स और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और मतलब कुछ मतलब प्लान नहीं होता अपने पास। जैसे कि क्वार्टर फाइनल्स हुए, सेमी फाइनल्स, फाइनल्स, इन सब चीजों के लिए क्या इसके अंदर भी आप लोग हर एक फेज के अंदर अपने आप को बदलते रहे हैं, या फिर आपने एक ही मेंटेलिटी रखी है कि बस सीधा जब घुसने हैं, जब कोई प्लेयर दिखा बस मारना है, फिनिश करना है, आगे बढ़ना है? एक हद तक संभल के खेलने के लिए अगर आप बोला जाए तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी ऑन स्पॉट भी बनाना पड़ता है कि कब आप बच के जाए, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी जो ओल्ड, जो प्रैक्टिस की हुई हमारी पहले से, जो हम लोग रेगुलर स्क्रिम्स में पुराने टूर्नामेंट में प्रैक्टिस किए हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी वो पुरानी भी यूज करते हैं और थोड़ी स्ट्रेटेजी ऑन द स्पॉट भी बनाते हैं कि ताकि हम लोग को हेल्प हो सके आगे के मैच को ले जाने के लिए। कुछ अंडरडॉग नेम्स आपके माइंड में है जो आपको लगता है बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं? लूपस्टॉर्म, लूपस्टॉर्म बहुत सही खेली है वो। मैं दोनों से जानना चाहूंगा एक एक करके, आर देयर एनी लाइक वर्ड्स ऑफ विजडम जो अपने फैंस को देना चाहेंगे, एंड कुछ ऐसे लोगों को भी जैसे कि मान लीजिए अभी जो आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, लेकिन उनका सपना है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में वो भी ऐसी ग्राइंड करे, तो उस ग्राइंड के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो मेरे को एक चीज बस यही बोलना है कि अल्टीमेटली सब एक टाइम पे अंडरडॉग्स थे, हम लोग भी, हम लोग ने भी मेहनत करके एक टाइम पे ऊपर उठ किए हैं। तो बस यही है कि चांस तो आपको एक ही बार मिलेगा या दो बार मिलेगा मैक्स टू मैच, लेकिन आपको उसी चांस को कैसे आप यूज करते हो, उस चांस को अपना बेस्ट देते हो, तो वो अल्टीमेटली डिफाइन करेगा आपको, और आपका हार्डवर्क हमेशा आपके साथ रहेगा ही। फाइनल बॉस, इज देयर एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहेंगे? मैं तो बस थैंक्स ही कहना चाहूंगा, मतलब अपने जितने भी फैंस है रिवेंज के, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये दो दिन पहले की बात है, क्वालिफायर्स में हम लोग #910 में थे, लास्ट गेम में हम क्वालिफाई हुए थे वो भी #8 में, बहुत गंदा दिन था, तब भी इंस्टाग्राम पे मेरे को मतलब पॉजिटिव मैसेज ही आ रहे थे कि ट्राई करो, तुम लोग ऐसा नहीं खेलते, थोड़ा एग्रेसिव खेलो, मतलब बहुत सपोर्टिव है, तो उनको थैंक्स ही कहना चाहूंगा मैं। जी बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है एक्चुअली, जब सपोर्ट रहता है तब वो सपोर्ट ऑब्वियसली ऊपर आते जाता है, आप सबको भी लेकर आया एंड बाकी आने वाली टीम्स को भी ऊपर लेकर आएगा। तो थैंक यू गाइस, आपने अपना पूरा का पूरा वैल्यूएबल टाइम दिया, एंड अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, बिकॉज जिस तरीके से भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा फेस है, बट उस फियर्स कॉम्पिटिशन को आप भी अपना एक अलग नजरिया दे रहे हैं, सो थैंक्स नॉट फॉर ऑल दोस थिंग्स एंड फ्यूचर एंडेवर्स, एंड मे PMIS ट्रॉफी के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट रहेगा, PMIS का जो कॉम्पिटिशन है। सो यू नो व्हाट, Let's go! Let's go! go.